बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रियल एस्टेट के चैनल पे आपको खुशामदी। आज मैं जो प्रॉपर्टी की वीडियो लेके आया हूँ जो कि है नाजमाबाद नंबर 3-3F के लिए, मैं वीडियो में बना चुका हूँ। थोड़ी सी डिटेल बताने के बाद नेक्स्ट आपके सामने वीडियो होगी। तो नाजमाबाद 3 नंबर 3F के लिए में ग्राउंड फ्लोर का ये पोर्शन है जो कि प्लॉट था इसका 340 गज का, उसके हाफ में बना हुआ है तो इसका रकबा हो रहा है 170 गज का। प्लानिंग है इसकी 3 बेडरूम ड्राइंग रूम टीवी लॉन्च, और सबसे अच्छी इसमें चीज ये है कि इसमें पार्किंग की फैसिलिटीज दी गई है जो कि आप थोड़ी देर में वीडियो पे देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये है पोर्शन जहाँ पे मैं आ चुका हूँ और बिल्कुल मैं एंट्रेंस के बाहर खड़ा हुआ हूँ। रात का टाइम है तो इस वजह से थोड़ा लाइट लगे। बिल्कुल इस कोने से लेके ये गेट है फ्रंट पे, इस कोने से लेके पूरा ये पोर्शन जा रहा है, सामने एक छोटा गेट आ रहा है वहाँ तक है ये पूरा पोर्शन जो कि आपके सामने है। ये एंट्रेंस बड़ी गेट, तो चलिए चलते हैं अब अंदर। तो फाइनली मैं अंदर जा रहा हूँ और ये एक लुक पार्किंग साइट पे जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी कंफर्टेबल पार्किंग, 1 कार पार्किंग है ओनली। एक व्यू में आपको इस साइड से दिखा दूं, बिल्कुल ये सामने बड़ा सिक्योर गेट लगा हुआ है, फुल कवर्ड हुआ हुआ है और प्रॉपरली एक लुक देख लें हम, फिर उसके बाद चलते हैं अपने पोर्शन की तरफ जिसकी डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग पे ही। 3 बेडरूम ड्राइंग रूम टीवी लॉन्च पे है ये, 2 अटैच, 1 कॉमन वॉशरूम। तो ये है हमारी मेन एंट्री जो कि सामने ही आपको एक छोटे सा पैसेज और एक लॉन्च दिख रहा होगा। तो फाइनली मैं इंटर हुआ हूँ, तो इंटर होते ही मेरे सीधे हाथ की तरफ एक रूम आया है जो कि है ड्राइंग रूम। इसमें कोई अटैच वॉशरूम नहीं है इसलिए इसको ड्राइंग रूम बनाया गया है वेंटिलेशन के लिए। एक इसके लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड पे विंडो दी गई है और बिल्कुल ये पैसेज है सामने इसके लॉन्च, और ये है इसका कॉमन वॉशरूम और बिल्कुल इसके बराबर में रूम है। ये बिल्कुल कॉमन वॉशरूम के बराबर में एक रूम आ रहा है स्टार्टिंग में ही। एक्चुअली ये जो रूम था ये अटैच वॉशरूम था जो कि यहाँ पे जो मालिकान रह रहे हैं उन्होंने ख़त्म करवा दिया था और उसको लॉन्च से इसकी एंट्रेंस कर दी थी। ये है इसका लॉन्च और बिल्कुल सामने ये बड़ा इसका जो लॉन्च है आप देख सकते हैं, बिल्कुल उसके सामने एक रूम आपको दिख रहा है वो है अटैच वॉशरूम के साथ। प्रॉपरली लुक मैं आपको इसके लॉन्च का दिखा दूँ एक नज़र, और बिल्कुल एक और गेट आया है सामने, ये इसका दूसरा रूम है। वॉशिंग एरिया भी यहीं पर ही दिया गया है और बिल्कुल ये आपके सामने है इसका किचन, बड़ा और कंफर्टेबल साफ सुथरा इसका किचन है। वेंटिलेशन के लिए अगर इसकी बात करें तो बिल्कुल सामने आपको वेंटिलेशन दिख रही है, एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है और एक वेंटिलेशन इसकी जो पैसेज था एंट्री का यहाँ से भी दी हुई है और एक यहाँ से है। यह है इसका सेकंड रूम अटैच वॉशरूम के साथ। प्रॉपरली लुक मैं आपको इसका एक दिखा देता हूँ। नॉर्मल फोर सीलिंग इसमें हुई हुई है, स्टैंडर्ड फोर सीलिंग जो कहलाती है। यह है इसका अटैच वॉशरूम, इसी रूम का सेकंड रूम का अटैच वॉशरूम है ये, जो कि वेंटिलेशन इसकी बैक साइड पे जो पतली गली है वहाँ से इसकी क्रॉसिंग है। और यह है इसका थर्ड रूम जो कि मालिकान के मुताबिक के वो मुझे थोड़ा अलाउ नहीं कर रहे थे इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उन्होंने इस रूम को
इस्तेमाल एज अ स्टोर लिया हुआ है, लेकिन मैंने फिर भी आपको दिखाना था एक और रूम जो कि अटैच वॉशरूम के साथ है, बिल्कुल कंफर्टेबल रूम है, जो कि आपको मैंने सेकंड रूम दिखाया, फर्स्ट रूम दिखाया, उतने ही साइज़ में है ये, और बिल्कुल इसके बराबर में जो ये एक पैसेज है, इसकी बैक साइड की एंट्रेंस है, जो कि पूरे पोर्शन जो है उसकी बैक साइड पे एंट्रेंस है, और यहाँ पे बैक साइड पे पतली गली होती है नाजमाबाद के हर घर में, तो इसकी एंट्रेंस यहाँ से है, और बिल्कुल ये आपके सामने एलुमिनियम का गेट पड़ा हुआ है, जो कि इसके ही फ्रंट पे लगा हुआ था, लेकिन किसी वजह से इसको अभी निकाला हुआ है। तो ये देखिए आपने वीडियो वीडियो को एंड करने से पहले एक बार मैं सब कुछ रिपीट करता हूँ। नाजमाबाद डी नंबर 3F के एरिया में ग्राउंड फ्लोर का 170 गज में ये पोर्शन बना हुआ है। प्लानिंग है इसकी 3 बेडरूम ड्राइंग रूम टीवी लॉन, फ्रंट पे है इसके पार्किंग। तो प्राइस इसके मैंने डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दिए हैं। प्रॉपर्टी अच्छी लगी हो तो विजिट के लिए दिए गए नंबर पे रब्ता करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि आने वाली प्रॉपर्टी के हवाले से वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।